Good morning, dear students. In our previous video, we have done two questions of exercise 3.1, that is trigonometric functions. Today we will move further with question number 3. Question number 3 मैं आपको बता देती हूँ. Question number 3 में पूछ रहा है, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. या कोई wheel है आपके पास, वो 1 minute में कितने revolution लगा लेता है, 360. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 second में वो कितने radians turn करेगा? पहले तो हमें मिनट का गिवन है, 1 मिनट इज इक्वल टू 36 रेवोल्यूशन. तो हम सेकंड का निकाल लेंगे. सेकंड का निकालने के लिए हमें 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 6 रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है 180, यानी 1 और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपको पाई प्लस पाई कितना चलना पड़ेगा, 2 पाई चलना पड़ेगा. ये आपके पास 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई. और टोटल रिवोल्यूशन हमारे हैं कितने क्वेश्चन में, टोटल उसने कितने कंप्लीट किया 1 सेकंड में, 60 रिवोल्यूशन. तो 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई थे, तो 6 रिवोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियन. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देती हूँ. फाइंड द डिग्री मेजर्स. इस क्वेश्चन में आपको डिग्री में आंसर निकालना है. रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क आपको 22 गिवन है और इसमें पाई आपको यूज करना है 22/7. थीटा का फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड कि थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस. एल लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस आर से डिनोट होता है. दोनों की वैल्यू गिवन थी बट हमारा आंसर आ रहा है रेडियन में. एंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है डिग्री में निकालने की. डिग्री इज इक्वल टू 22/100. यहां से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम 180/π के साथ करेंगे. 22/100 180, पाई को हमने 22/7 लेना. जब आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा 63/π. ये आपको किस में गिवन है, रेडियन में. आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में. 63 को आप पाई से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 12 तो आपका डिग्री बन जाएगा. रिमाइंडर बचेगा 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय आप किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 60 के साथ. 12 को 3 के साथ करेंगे 36 मिनट. ये आपका बन जाएगा 12 degree 36 मिनट. आंसर डिग्रीज में आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको कितना गिवन है. डायमीटर आपको गिवन है 40, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 20. और जो कोर्ड की लेंथ है आपको वो भी 20 गिवन है. एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास जिसमें बेस भी 20, ये वाला साइड भी 20, ये वाला साइड भी 20. तो आपके पास कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल का ट्रायंगल वेल अंडरस्टूड होता है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ आर्क जहां पे ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब जो एल है इस क्वेश्चन की, ये वाला पीस सर्कल का, इसकी लेंथ पूछी गई है. थीटा हमें पता लग चुका है, आर हमें पता लग चुका है, सेम फॉर्मूला वी विल यूज. बट यहाँ पे जो थीटा गिवन है वो आपका डिग्रीज में गिवन है, आपको निकालना रेडियन में है. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. 60 जब आपके पास गिवन है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करेंगे. पाई 60 से आप इसको कट कर लेंगे, पाई अपॉन 3, ये आपका थीटा आ चुका है. और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती थी, एल अपॉन आर. यहां से आप थीटा की वैल्यू पुट करें जो आपकी आई है पाई अपॉन 3. एल आपको फाइंड करना है, रेडियस आपको गिवन है, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 20π/3. क्वेश्चन नंबर 6 इज, दो सर्कल आपके पास है जिनकी आर्क की लेंथ बिल्कुल सेम है. अगर इसकी एल है तो इसकी भी क्या है, एल. बट ये जो है ये सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है और ये जो है 75 डिग्री का एंगल बनाता है. इसका आर वन और आर टू का रेशियो फाइंड करना है. इसमें हम इसको थीटा वन लेट कर लेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन, और इधर कर लेंगे थीटा टू इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू. मैंने दोनों साइड एल रखा है क्योंकि दोनों केसेस में एल सेम है आपके पास. वैल्यूज पुट करें, 60 इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू. अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है. आर वन यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल अपॉन 60, और यहां से आर टू कितना आ जाएगा आपके पास, एल अपॉन 75. आपको फाइंड करना है रेशियो इस क्वेश्चन में, दैट इज आर वन रेशियो आर टू. एल अपॉन 60 और यहां पे आ जाएगा एल अपॉन 75. एल से एल कैंसल, ये दोनों कैंसिल, 15 के टेबल में ये 4 जा 5 जा पे. आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास ऐसे बन चुका है 1/4 रेशियो 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर वन और आर टू का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं, उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है. अच्छा, एक इसमें कैसे है, एक पेंडुलम है आपके पास इस तरीके से, वो स्विंग कर रहा है एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में. और फर्स्ट वाले केस में जो इसका रेडियस गिवन है, दैट इज 75. ये रेडियस ऑफ सर्कल बन जाता है, पेंडुलम का जो ये हैंड का लेंथ होता है, दैट बिकम्स योर रेडियस.
और ए पार्ट में आपको जो लेंथ ऑफ आर्क गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, आपको एंगल रेडियन में निकालना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड, एंगल निकालना है, और किसमें निकालना है हमें, रेडियन में निकालना है. यहां पे हमें निकालना है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर. एल कितना है हमारा यहाँ पे, एल इज 10. आर कितना है हमारे पास यहाँ पे, 75. और इस केस में हमारा जो थीटा है वो रेडियन में ही है. यस इट इज इन रेडियन. आप कट करेंगे, यू विल गेट इट 2 अपॉन 5 की टेबल से कट करेंगे 2 अपॉन 25, यू विल गेट लाइक दैट. ओके बी पार्ट में आपके पास सेम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और उसमें एल कितना गिवन है आपको, एल इज गिवन 15 डिवाइड बाय आर आपका सेम है 75. कट करेंगे यू विल गेट 1 अपॉन 5. और थर्ड पार्ट में थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सेम फॉर्मूला चलेगा, एल आपका 15 ही है, आर आपका 21 हो जाएगा. 3 की टेबल से आप कट करेंगे 5 अपॉन 7. ओके लाइक वाइज यू विल गेट योर आंसर. वेट आई हैव डन रॉन्ग. एल वॉज 15 अपॉन, इन दिस केस एल वॉज 21 डिवाइड बाय आर इट इज 75. 3 की टेबल से कट करेंगे 7 और ये 25, तो आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 25. ओके बाय डूइंग दिस क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज. ट्राई ऑल अदर क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. इन केस ऑफ डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज क्लास.